नमस्कार बंधुओं, आज का विषय रहेगा तुलसी क्यों मरती है। जितने लोग उतने ही एडवाइस, उतने ही शिक्षाप्रद बातें, लेकिन मैं आपको सत्य और वैज्ञानिकता पर आधारित बात बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पूर्व एक मिनट के लिए, मात्र एक मिनट के लिए, आज का यक्ष प्रश्न दुनिया में, मित्रों, भारत ही एकमात्र देश है जहां शादी के मौके पर सड़कों को ब्लॉक कर बच्चे बूढ़े सब नाचने लगते हैं, दूसरी तरफ एम्बुलेंस में तड़पता मरीज होता है। केवल भारत में होता है, सोचना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, आज का विषय है तुलसी क्यों मरती है। ये देखिए, एक ये तुलसी का प्लांट है, डेड प्लांट, मृत प्राया, कोई इसमें वनस्पतिक वृद्धि नहीं है, कोई इसमें फॉलियज नहीं है, कोई इसमें हरियाली नहीं है, कोई इसमें मंजरियां या बीज नहीं है। ये क्यों मरी है? ये मरने के लिए ही मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। डॉक्टर कईयों का पोस्टमार्टम करते हैं, तब जाके MBBS बनते हैं, MD और DM की तो बात ही दूर है। इसको सर्दियों में अंदर रखा गया, यानी कि सूरज की धूप न मिलने से और ऑक्सीजन यानी हवा न मिलने से इसका ये हाल हुआ है। जो कहते हैं सर्दी सर्दी से मरती है तुलसी या गर्मी से मरती है, वो बात गलत है, 99% बात गलत है। सर्दियों का मौसम तो चल रहा है, ये देखिए गर्मी अभी आई नहीं है, ये सर्दी के मौसम की तुलसी हरी भरी पड़ी है आपको सामने, ये भरपूर सर्दी में पड़ी है। इसने 5 से 15 डिग्री का तापमान अपने ऊपर झेला है और इस पर कुछ नहीं हुआ, मंजरियां भी आ रही हैं। हालांकि रंग में ये रामा तुलसी है, हरी, इसकी बैगनी हो रही है, ये कोई फास्फोरस की कमी की निशानी नहीं है। सर्दियों में हर वनस्पतिक ब्रोथ इसका रूप ले लेती है। तुलसी को दक्षिण में या किसी पंडित के कहने पर या किसी वार त्योहार के दिन हाथ लगाने से तुलसी नहीं मरती। जैसे कि मैंने कहा, तुलसी मरने का एकमात्र कारण है पानी की अधिकता, यानी कि घर के जितने सदस्य हैं उतनी बार, एक दिन में अगर सुबह 6 से 10 के बीच तुलसी को जल चढ़ाया जाता है तो 4 बार पानी दिया जाता है। पानी की अधिकता, ड्रेनेज सिस्टम मजबूत ना यानी कमजोर, पानी पौधे में खड़ा रहता है और एक दिन पानी दिया और एक दिन पानी ना दिया, ये सब कारण से तुलसी मर्त प्राय हो जाती है। और किसी धर्म संकट या कर्म कांड या वहम के कारण तुलसी नहीं मरती। ऐसे दर्जनों पौधे पड़े हैं जो कि सर्दियों में झेल गए, अब सर्दियों में भी पड़े हैं और मैं चारों दिशाओं में भी रखता हूँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बस ख्याल इस बात का करते हैं कि पानी से गीला रहना चाहिए, यानी कि 20 ml 20 ml पानी इसमें रोज डाल देना चाहिए। और कोशिश हो तो रात के समय, जैसे मैंने पहले बताया, इसके ऊपर कुछ कपड़ा इत्यादि कर देनी चाहिए। कई तरह के केमिकल स्प्रे भी आते हैं, उसका भी मैंने विहंगम दृश्य अपनी पूर्ववर्ती वीडियो में बतलाया है, आप उसे देख सकते हैं। तो मूलतः सर्दी गर्मी तो पड़ी ही रहती है, सर्दी में भी पौधे जीवित रहते हैं। ऐसे पौधे भी है जो -डिग्री पर साइबेरिया में रखते हैं, ऐसे पौधे भी उगते हैं जो कि रेगिस्तान के 60 डिग्री तापमान, दुनिया का सर्वोत्तम तापमान लीबिया की प्रांत में और रिकॉर्ड किया गया। पौधे तो सर्दी और गर्मी दोनों को में उगते हैं। जैसे मैंने बतलाया, तुलसी के मरने का कारण पानी की अधिकता, दूसरा पानी का आगे या पीछे करना, और तीसरा बहुत ही ज्यादा सर्दी हो और आपने उसको रेगिस्तान बना रखा हो तो संभव है कि चल जाए। बड़े बड़ों को मैं कहते कई सालों से सुनता हूं, सर्दी में नहीं बचती, बचती है, बचाने वाला चाहिए।
उम्मीद है आपको तुलसी पर प्राप्त जानकारी से अवश्य लाभ मिलेगा। चलता हूं इस विश्वास के साथ कि सत्य पर आधारित बात करना श्रेयस्कर है। नमस्कार।